सोलन में पदभार संभालने के बाद उपायुक्त सोलन हंसराज शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि वो शहर को बेहतर और आदर्श बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर में पानी की किल्लत को प्रभावी ढंग से ठीक किया जाएगा। वहीं फोरलैन निर्माण कार्य की वजह से आम जन को होने वाली असुविधाओं को कम करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के माल रोड को सुंदर बनाने के लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि माल रोड की नालियों को जल्द से जल्द ढका जाएगा और उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में लोगों को कोई असुविधा ना हो और उन्हें सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उपायुक्त सोलन हंसराज शर्मा ने बताया कि शहर को सुंदर स्वच्छ बनाकर उन्नति के पथ पर अग्रसर रखना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि शहर की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की समस्या है, जिसमें सोलन की जनता को पुराने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाईपास में जल्द ही पार्किंग उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने सोलन की जनता को आश्वासन दिया है कि अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वह बेझिझक उनसे कार्यालय में आकर मिल सकते हैं। उनकी समस्याओं का जल्द हल करने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासन का नेम तो स्वच्छ, संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन, लोगों की जनता जो आम जनमानस का जो समस्या है उनका शीघ्र से शीघ्र समाधान कराएं और उनका जो नॉर्मल रूटीन है, रूटीन के वर्क है वो जल्दी से जल्दी किए जाएं। कोई भी मेरे दफ्तर में, हमारे जो बाकी अधिकारीगण है उनके दफ्तर में कोई भी व्यक्ति किसी की समस्या हो, किसी समय जब हम दफ्तर में वो आ सकता है। जो सोलन नगर की जो पार्किंग की समस्या है उसके लिए जो एक पुराने बस स्टैंड के पास जो आर्मी के साथ एक्सचेंज लैंड का एक्सचेंज का है उसको एक्सपीडाइट कराएंगे और एक रेलवे रोड पे पार्किंग बनने जा रही है, उसमें बीएसएनएल को म्यूनिसिपलिटी ने टेंडर भी दे दिया और उसको जल्दी जल्द पूरा करेंगे। हम जो भी नियमों के अनुसार होगा, जिन्होंने कोताही बरती होगी उनको एक्सप्लेनेशन लेंगे, उसके बाद फर्दर जो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।